क्या वजूहात है कि हिंदुस्तान में खत्ल की वारदातें रोजाना की बुनियाद पर आम होती जा रही है। कहीं पर कारोबार को लेकर तनाजा तो कहीं घरेलू झगड़ों को लेकर खत्ल आम होता हुआ नजर आ रहा है। आज हैदराबाद में भी इसी तरह का एक वाकया रोनुमा हुआ है। जगतियाल जिला में ससुर ने बहू का गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दरअसल तेलंगाना के जगतियाल जिला में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में एक ससुर ने अपनी बहू का गला काट कर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाकया जगतियाल जिला के सारंगापुर मंडल के रिचापल्ली में चाहशुमा यानी आज की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजा रेड्डी नामी शख्स का बेटा तिरुपति रेड्डी दुबई में रोजगार के लिए गया था। तिरुपति रेड्डी की बीवी मोनिका अपने दो छोटे बच्चों के साथ ससुराली मकान के करीब किराए के मकान में रह रही थी। इस दौरान मोनिका के ससुर राजा रेड्डी को उसके किरदार पर शक होने लगा और उसे शक हो रहा था कि उसकी बहू के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। उसी शक में राजा रेड्डी ने आज सुबह अचानक मोनिका के घर पहुँचा और उसने तेज धार चाकू से बहू का गला काट दिया। चीखो पुकार पर पड़ोसी जमा हो गए और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस वहां पहुंच गई और राजा रेड्डी को हिरासत में लेते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए शमा न्यूज़।